इंदौर में चोइथराम स्थित देवी अहिल्या फल एवं सब्जी मंडी में इन दिनों टमाटर की आवक महाराष्ट्र से अच्छी मात्रा में होने के चलते कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। जो टमाटर पिछले सप्ताह तक 130 से लेकर 140 रुपए प्रति किलो थे, अब वह गिरकर 40 रुपए प्रति किलो से 60 रुपए प्रति किलो के करीब बताए जा रहे हैं। चोइथराम स्थित देवी अहिल्या फल एवं सब्जी मंडी में इन दिनों टमाटर की आवक महाराष्ट्र और कर्नाटक से अच्छी मात्रा में होने के चलते कीमतों में 50% से भी अधिक की गिरावट देखने को मिल रही है। टमाटर व्यापारी राजू चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले माह तक अत्यधिक बारिश के चलते टमाटर की फसल उत्पादक क्षेत्र में खराब होने के कारण टमाटरों की कीमत आसमान छूने लगी थी। अब चूंकि उत्पादक क्षेत्र में पानी खुल गया है, इसलिए टमाटर अच्छी मात्रा में आ रहा है। चोइथराम मंडी में टमाटर महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मालवा, निमाड़ के विभिन्न क्षेत्रों से सीजन 30 ट्रक के करीब प्रतिदिन आता है। वर्तमान में 10 ट्रक प्रतिदिन आ रहे हैं। आने वाले दिनों में टमाटर की आवक में जैसी वृद्धि होगी, वैसी टमाटरों की कीमत होगी। सर, आपका नाम? राजेश चौहान, इंदौर सब्जी मंडी, चोइथराम सब्जी मंडी। सर, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से टमाटर ने भयावह रूप स्थिति पैदा करी थी, आज वर्तमान में क्या स्थिति है टमाटर की? कहां कहां से आ रहे हैं, क्या कीमत रख रहे हैं? टमाटर तो महाराष्ट्र से आ रही है अधिकतर। बेंगलोर का भी थोड़ा चालू हुआ था, लेकिन अभी नहीं आ रहा है, आने निकलने लग गया है। वहाँ क्षेत्र कौन कौन से टमाटर के? उत्पादन बेंगलोर साइड में है, महाराष्ट्र साइड में है, अपने यहाँ का भी चालू होने वाला है। कहाँ कहाँ पैदा होता? ये खंडवा जिले में है, खंडवा जिले में अच्छा आता है। यहाँ पर इधर बड़वानी साइड में भी होता है, ये झाबुआ साइड में उधर भी होता है। क्या ये यहाँ का उत्पादन और बाहर के उत्पादन की क्वालिटी में कोई अंतर नजर आता है? अब उधर का जो अभी चल रहा है, उधर की क्वालिटी अभी अच्छी आ रही है, फिर उधर का आखिरी में हो जाता तो उसकी क्वालिटी कमजोर हो जाती है। जो नया माल होता है वो क्वालिटी अच्छी आती है। अभी प्रतिदिन कितना टमाटर आ रहा होगा? अभी हाल 10-12 गाड़ी होने आने लग गई। अब प्रतिदिन आ रही है? हाँ, आने लग गई। और कीमत अगर पिछले सप्ताह की तुलना में जो 140 रुपए थे, उसके आधे से भी कम होगा। क्या होंगे किलो के हिसाब से अगर दाम पूछे तो? पहले 100-125 रुपए किलो बिक रहा था, आज 50-60-40 रुपए किलो तक आ गया। 40 से 60 रुपए किलो। और क्या लगता है कि ये आवक और बढ़ेगी आने वाले? नहीं, बढ़ना ही है अब तो। हाँ बिल्कुल, आवक बढ़ना है। अब मौसम भी खुला हुआ है और आवक बढ़ेगी। अब अचानक ये दाम बढ़ गए थे, क्या वजह देखते हैं? नहीं, पहले वो बारिश हो रही थी ना हर तरफ, इसलिए दाम मतलब फसलें खराब हो गई। अब पानी रुक गया है तो कहीं ना कहीं फसलें निकल रही है और सब्जियाँ की भी आवक भरपूर हो गई। आने वाले दिनों में कहां कहां से आने की संभावना? पानी आएगा तो फिर शॉर्टेज होएगा, फिर भाई पानी, भाई फसलें खराब हो जाती है ना। पानी, किसी का खेत में पानी भरा हुआ है तो वो गल जाता है, किसी का फिर खेत अच्छा हो तो पानी निकल जाता है उसमें। फुल फ्लेश में जब टमाटर आने लगता है तो कुल कितनी गाड़ियां उन दिनों आती है? यहाँ पर 30-30 गाड़ी आ जाती है, ट्रक। 30 ट्रक प्रतिदिन आते हैं? प्रतिदिन मतलब 20 से लेकर 30 ट्रक प्रतिदिन आते। ये खपत यही होती है या यहाँ से बाहर भी जाती है टमाटर? मतलब यहाँ पर आसपास भी थोड़ा चले जाते हैं, लेकिन गाड़ी की गाड़ी तो नहीं जाती है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा आसपास के कस्बों में 100-200 के रेट ले आते हैं लोग। मतलब ये सारे 100-200 किलोमीटर के क्षेत्र में खप जाता है? खप जाता है। यहाँ से कहीं बाहर दूसरे राज्यों में नहीं जाता? नहीं, दूसरे राज्यों में नहीं जा रहा है। क्या लगता है आने वाले दिनों में आवक कैसी रहेगी? आवक भरपूर रहेगी। अब उसका सीजन आने वाला है जनता का, फिर जनता खाएगी सस्ता टमाटर। कीमतें तो अभी हाल क्या बोलेंगे, अभी हाल क्या होता है कि जैसे अब फसल क्या है, अभी हाल मौसम हो रहा है, मौसम में अभी कहीं जहाँ जहाँ की फसल आने की तैयारी है वहाँ पर खूब बारिश हो गई तो फिर क्या करेंगे हम? आम जनता 20 से 25 रुपए किलो का टमाटर कब तक देखने की संभावना? कम से कम 1 महीने के अंदर। 1 महीने बारिश? हाँ, 1 महीने बाद, 1 महीने बाद आराम से 20-25 रुपए किलो जनता को मिलने लग जाए। आपके एक बार फिर से राजू चौहान, इंदौर सब्जी मंडी, चोइथराम सब्जी मंडी। थैंक यू।